जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े हुए संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। तो पहला प्रश्न है एमसीक्यूज का, तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को और लगाएं इस क्वेश्चन को। पहले का आंसर क्या बनना चाहिए, सभी क्वेश्चन स्टार्ट करें। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताएं। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन श्रीमती विद्या स्टॉक्स। कौन थी? श्रीमती विद्या स्टॉक्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ध्यान से आंसर दीजिएगा जी, बताएं। मैंने आपको ये क्लास जो है वो लगवाई है, आपने ध्यान से इसका आंसर देना बच्चों। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आपका, जयवंत राम। जयवंत राम बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। विधानसभा क्षेत्र आपको पता है, विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैंने बताया है, किन्नौर का है, लाहौल स्पीति का है, घुमारवी का है या भरमौर पांगी का है। सभी अपना कमेंट करिएगा, आंसर सी के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही आपका आंसर सही है, सी लाहौल स्पीति का जो है विधानसभा क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, संसद के लिए हिमाचल से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तीन हैं, छह हैं, चार हैं और सात हैं। कमेंट कर सकते हैं आप, अपना आंसर चेक कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद करें और चेक करें कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो सही आंसर रहेगा चार के साथ जा रहे हैं, मगर टोटल जो है संसद में जो है वो सात हैं। कितने हैं? सात हैं, ठीक है जी, टोटल सात है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर, चिरंजी लाल वर्मा, रोशन लाल या कृष्ण लाल शर्मा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा के सदस्य, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, चिरंजी लाल वर्मा। क्या रहेगा? चिरंजी लाल वर्मा। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे, प्रथम सचिव विधानसभा के, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है एनसी नंदी। एनसी नंदी जो है वो इसका सही आंसर है, आपने ध्यान से नोट करना है और लर्न करना है। अगला है, हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यसभा सदस्य कौन था, राज्यसभा का सदस्य, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी चिरंजी लाल वर्मा, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक 15 विधानसभा सीटें किस जिले में है, विधानसभा सीटें 15, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, कांगड़ा की। तो कांगड़ा की जो है वो 15 विधानसभा सीटें हैं। अगला सवाल, 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना, विद्या स्टोक्स हैं, टीएस नेगी हैं, गंगूराम मुसाफिर या राणा कुलतार चंद। अपना कमेंट कर सकते हैं आप, ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, पर करेक्ट आंसर रहेगा टीएस नेगी। टीएस नेगी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, दो, चार, तीन या सात, सॉरी पांच। करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, तीन। कितने चुने जाते हैं? तीन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश
विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब 36 से 41 हो गई, यानी कि 36 होते थे उससे फिर 41 की गई है, 71, 63, 67 या 54 में? अपना कमेंट करिए आंसर क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है डी ऑप्शन, 1954 में 36 से ये 54 जो हमें जो है 41 की गई थी। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में पहली बार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, 1992 में, 1992 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? सभी अपना कमेंट करें आंसर, साथ साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूले, साथ साथ में, साथ साथ में शेयर करें। करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, लाहौल स्पीति। कौन सा है? लाहौल स्पीति। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा किस वर्ष गठित हुई, हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा कौन से साल में गठित हुई थी? तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं वो है सन 1952, बिल्कुल सही आंसर है सन 1952, 52, बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला सवाल, लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में से सबसे अधिक 6 बार निर्वाचित कौन हुआ, यानी कि 6 बार सबसे ज्यादा जीते हुए हैं, वो कौन से ऐसे नेता हैं जो 6 बार जो हैं वो हमारे स्टेट पर जो है वो राज कर चुके हैं? करेक्ट आंसर दीजिए, वीरभद्र है, विक्रम महाजन है, या महेश्वर सिंह, या केडी सुल्तानपुरी? करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारे केडी सुल्तानपुरी, जो कि लोकसभा के लिए जो है सबसे अधिक बार जो है वो जीत चुके हैं। अगला सवाल, वर्ष 1925 में वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का जो उद्घाटन किया था वो किस वायसराय ने किया था? जल्दी से आंसर करें, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड बिलिंगटन है, या लॉर्ड एल्गिन है? सभी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ में इन क्वेश्चंस को नोट्स की फॉर्म में भी जरूर क्रिएट करिएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं वो है ए ऑप्शन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा में क्रमवार कितनी विधानसभा सीटें हैं? पहले आपको कांगड़ा की बतानी है, फिर मंडी की, फिर कुल्लू की, फिर चंबा की विधानसभा सीटें। कांगड़ा की तो 15 हो गई हैं, ये कांगड़ा की हैं, ये मंडी की हैं, ये कुल्लू की हैं, और ये चंबा की हैं। आपने प्रॉपरली याद रखना है कौन सी कहां कहां पे कितनी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, श्री जीएस बाली परिवहन मंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 2015 तक, वो कितनी बार निर्वाचित हुए हैं, कितनी बार निर्वाचित हुए हैं जीएस बाली, नगरोटा के रहने वाले हैं? तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं वो है बी ऑप्शन, 4 बार निर्वाचित हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? 4 बार निर्वाचित हुए हैं। अगला सवाल, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं आती हैं, विधानसभाएं आती हैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में? 16 है, 17 है, 9 है, या 10 है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो है बी ऑप्शन, 17। अगला सवाल, वीरभद्र सिंह
हिमाचल प्रदेश में कितनी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, 5 बार। कितनी बार? 5 बार निर्वाचित हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। तो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और इनको नोट्स की फॉर्म में जरूर बनाइएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।